सो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम वी फॉर यू पे आज बात करने वाले हैं कॉमर्स विद इको के बारे में। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स बेसिकली, इकोनॉमिक का मतलब ये है कि आप अपने जो सराउंडिंग में देख रहे हैं, क्या ग्लोबली सिचुएशन है, क्या इंडिया में हो रहा है, क्या इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जैसे पैसे की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट होती है, उसके बारे में बात करेंगे, डिमांड के बारे में बात करेंगे, सप्लाई के बारे में बात करेंगे, जैसे डेली बेसिस पे जो चीज़ें अप डाउन होती है, जैसे पल्सिस के भी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, ऑयल के रेट हाई हो गए थे, जैसे पेट्रोल का रेट हाई हो जाता है, तो ये सब आपको इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता है स्टूडेंट्स। कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत एडवांटेज बच्चों का ये होता है कि एक तो उन्हें पढ़ना कम होता है, जैसे कि एक नॉर्मल मेडिकल या नॉन मेड वाला बच्चा पढ़ता है, उससे पढ़ना तो कम होता है, लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, वो बहुत हाई होती है, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना स्किल्स, वो रियलिस्टिक होती है। जो हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, वो एकदम रियलिस्टिक होता है। ओके, और कुछ बच्चों की जैसे कि क्वेरीज होती हैं कि क्या कॉमर्स के साथ अगर हमने मैथ्स नहीं लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, तो मैं बता दूं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमर्स के साथ इको लिया जाता है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिनमें से कॉमर्स विद इको भी एक ऑप्शन है। जैसे कि अब मैं बताऊँगा एग्जाम्पल देके आपको, तो सबसे हाई पेड जो प्रोफेशन है हमारे कॉमर्स स्ट्रीम का, वो है सीए। सीए की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कोई कहीं मेंशन नहीं होता कि आप कॉमर्स की विद इको वाले हो तो ही आप सीए कर सकते हो, कॉमर्स विद मैथ वाले हो तो ही आप सीए कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे सबका वेलकम है, आओ टेस्ट दो, क्लियर करो, सीए के लिए तैयारी करो। तो आप कॉमर्स के साथ इको ले लो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि इकोनॉमिक्स, आपकी जो सोचने की थिंकिंग लेवल है वो बहुत बहुत एक्सपेंड होने वाली है। आप सोच नहीं सकते कि ये दुनिया चल रही है, कैसे चल रही है, ये जो इंडिया है, इंडिया की GDP कैसे काउंट करते हैं, इंडिया पूरे साल में कितना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितने लेवल पे होता है, क्या प्रोडक्शन है, क्या एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन, तो सब पढ़ाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आप कॉमर्स विद इको सब्जेक्ट लो, अपने टीचर से कहो कि हमें कॉमर्स विद इको स्ट्रीम लेनी है। और जैसे कि जिन्हें लगता है कि वो मैथ्स ले सकते हैं तो एडिशनल में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके परसेंटेज वो कम कर जाएंगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि कॉमर्स इको इज़ द बेस्ट। और भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो एक बार मुझे कमेंट में बोलो, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ही बैठा हूँ मैं यहाँ पे। ओके।